पहली सुबह इन स्प्लिट्सविला, मतलब लड़के लड़कियां सारे एक साथ, जो मैं लिटरली फर्स्ट डे से चाहता था। एंड फाइनली मैं वो फीलिंग जी रहा था, सो आई वाज सुपर हैप्पी। पर्सनली तू एक ऐसी बंदी जिसे मैं यहाँ से बाहर जाके मिलूंगा। मेरे को ये जो होप आ चुकी थी कि यार मैं अब अपना कनेक्शन कहीं ना कहीं कशिश के साथ बिल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को वो लड़की डे वन से ही बहुत पसंद थी। मैंने जैसा तेको एक्सपेक्ट किया था, तू जैसा इधर उधर हंसता फिरता रहता है। एंड व्हेन आई सी यू अराउंड, यू नो लाइक जस्ट विद मी, यू आर वेरी ऑपोजिट, लाइक यू आर वेरी केयरिंग। एंड आई मीन मेरे को नहीं पता था यू कुड बी दिस स्वीट पर्सन ऑल्सो, एंड यू वेरी क्यूट। घंटी बजे टैंग 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 टैंग। आप बारी है आपकी नेक्स्ट चैलेंज की। तो हम सब रेडी होके पहुंचे अपने चैलेंज लोकेशन पे। This is MTV Splitsvilla 14, co-powered by Wildstone, Deos and Perfumes and on Total Comfort. आज के चैलेंज में सिर्फ दो टीम्स ही परफॉर्म करेंगी। आप सारे अनसेफ स्प्लिट्सविलियंस डिसाइड करोगे कि कौन सी टीम परफॉर्म नहीं करेगी। ये चीज सुनते से ही मेरा दिमाग गया फट, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कौन से स्प्लिट्सविलियन हमारे साइड है। मेरी दिल धक धक भी कर रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस भी था ये सोच के कभी मैं ब्लॉक ना हो जाऊं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आकाश रीना। आई ब्लॉक जस्टिन एंड साक्षी। मुझे पता नहीं उसने ये क्यों किया, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है सोंदूस मम्मी ने बोला होगा और उसने सुन लिया होगा। सर आई ब्लॉक जस्टिन एंड साक्षी। एनी रीजन पर्टिकुलर? ब्रो आई वांट द कंपटीशन टू बी like balanced. I see three people over there and three people over there, so zyada maza aayega dekhne mein. Ye mera logic hai. Ajeeb logic hai but theek hai. I block Amir group. Ani, I block Amir and Shreya Pema. Aradhna, I block Amir, Pema and Shreya. Sundus, I block Justin and Sakshi. Amit, Justin and Sakshi. I block Pema, Amir and Shreya. Oh, this is going to be close. Very close. For all. Agaz, I want to block Amir, Pema and Shreya. Reason yahi hai mera bhi ki wo do hai, wo teen hai, to shayad chance hoga teesre ka. So I really want my girl to perform with them. Sakshi, Pema, Shreya and Amir. जब मुझे परफॉर्म करना था श्रेया के साथ में, तो उसने मुझे परफॉर्मेंस के लिए ना बोल दिया, तो मेरा वही रीजन था खाली। आमिर काफी सबके साथ जॉली है एंड सबके साथ मस्ती करता रहता है, बट आई थिंक ये उसके लिए एक आई ओपनर था। उसको अब पता था कि कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ हो सकता है। यही होता है ना सर, रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग, कितने भी ब्रांडेड ना हो दिल से उतर जाते। अबे भोसड़ी के, तू मेरे को मत सिखा के रंग बदलने का क्या होता है। साले तेरे को मैंने डंपिंग में डंप नहीं किया था, सबसे बड़ा रंग तूने बदला था। तेरा डंपिंग में तूने भी नाम लिखा था, रंग तूने भी छोड़ा, नाम लिखा था, रंग तूने भी छोड़ा, रंग तूने भी छोड़ा था, लेकिन रंग तूने भी छोड़ा था। मैं अगर पॉपअप करता था, मैं अगर पॉपअप करता था तेरे को, शायरी तेरे ऊपर अप्लाई कर, मेरे मुंह पे हां बोल के तूने रंग बदला था। समझा वो सिचुएशन, समझा अगर मर जाना आदमी तो फिर से कर देगा वो, रंग बदलते मानने सब आगे नहीं बढ़ जाते। चल 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 चल, बहुत है, चल चल क्या करेगा, क्या करेगा तू, क्या करेगा तू, क्या करेगा, मारेगा मेरे को इतना गुस्सा है कि ऑलमोस्ट मेरा ऐसा था कि जाके इसकी माँ का भर दूँ इसको।
कशिश महक और कशिश को एक भी वोट नहीं आया, तो कहीं ना कहीं ये तो समझ आ गया था कि कशिश के पास मेजॉरिटी है। अनफॉर्चुनेटली आज आप तीनों परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, एंड ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो चैलेंज है, वो दो ट्रियोस के बीच में होगा। साक्षी एंड जस्टिन, आप चूज कर सकते हैं एक लड़की जो आपको हेल्प करेगा इस चैलेंज। मैं उनका फेवर रिटर्न करना चाहूंगी, मुझे लगता है वो अच्छी परफॉर्मर है, इसलिए मैं प्राक्षी को चूज करना चाहूंगी। कहीं ना कहीं ये चैलेंज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अब, क्योंकि दोनों टीम्स बहुत स्ट्रांग है एंड मजा आएगा इनको देख के भिड़ने में। तो आप समझा देते हैं कि चैलेंज है क्या। पहले स्टेज में एक लड़की और लड़का हनी पिट में जाएंगे एंड यू गोइंग टू स्क्विश एंड मूव अराउंड अंटिल वो आपका पूरा बॉडी गेट्स कवर्ड इन हनी। देन लाइक माय हनी बनीज यू आर गोइंग टू हॉप टू द नेक्स्ट पिट। अगले पिट में है रेड एंड ग्रीन रिबन एंड यू विल हैव टू रोल अराउंड अगेन एंड कवर योर बॉडी विद एज मेनी रिबन्स एज पॉसिबल। वेरी गुड एंड देन ऑफ कोर्स लाइक माय लिटिल हनी बनी दी आर हॉप हॉप करके यू विल रीच द पोडियम एंड ऑन द थर्ड पोडियम योर थर्ड टीममेट आपको फटके मारेगा टू गेट द ग्रीन रिबन्स। वो अपना रास्ता बनाएगी ग्रीन रिबन्स बांध बांध के हिंजेस पे, और जो दूसरी लड़की है ऑपोजिट टीम की वो रेड रिबन्स को बांध के वो रास्ता रोकेगी। ऊपर एक घंटी है, जब आप घंटी बजा दोगे तो वहाँ आपका टाइम स्टॉप हो जाता है, और जिसका टाइम भी सबसे कम होगा वो ये चैलेंज जीतेगा। आज का चैलेंज का नाम है बी माय हनी बनी। द फर्स्ट टीम इज कशिश कशिश एंड महक। कशिश 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 कम ऑन। एंड प्राक्षी विल बी ब्लॉक्ड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैंने और कशिश ने फुल ऑन डिप मारी अंदर हनी में। भी बटरफ्लाई बन के तू ले अंगड़ाई तन के भी आजा कुड़ी आजा के तुम्हें। It was so funny to you know roll inside that honey. तू ले अंगड़ाई तन के भी आजा कुड़ी आजा के। हॉप 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 उसके बाद मैंने रियलाइज किया ओह आई कांट रन इनसाइड द पिट्स बिकॉज इट्स वेरी स्लिपरी। कशिश जो इतना बड़ा आदमी है जो हनी में लोटपोट होके निकल के वो जो बनी की तरह हॉप करते करते जा रहा था वो इतना फनी लग रहा था। यस चल 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लातों का गेम है, लातों में घुमाना, लातों में। यू नीड टू ग्रीन रिबन्स टू अनलॉक वन रेड रिबन। तो हमें मेक श्योर करना था कि हम सेकंड पिट से जितनी ग्रीन रिबन्स हो सके उतनी ग्रीन रिबन्स लाएं और मेक श्योर करें कि रेड रिबन हम लाएं ही ना। उंगलियों का गेम है, उंगली में ले जा, उंगली में ले जा। कशिश ऑलरेडी इतनी पतली और स्वीट और डेलिकेट सी है, उसको मारूं उसको लग ना जाए, मुझे वो अंदर से लगा था शिट 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 शिट। चले हनी भूल गई कि मैं उसका बनी हूँ और उसने मुझे मारे चटके पटके लटके। वो बांधे जा रही है, वो मेरे
पास थे 3 रेड फ्लैग्स और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं उनका रास्ता इस तरीके से ब्लॉक कर दूं कि वो ऊपर जा ही ना पाए। मैक वापस आ। मुझे ऐसा लग रहा था कि महक वहाँ पे सुन नहीं रही है। मुझे ये था कि दो बार ना लगे, सिर्फ एक बार में हो जाए। महक जैसे ही बोलती कि उसके रिबन्स खत्म हो गए, एंड आई वाज लाइक, मैंने बोला था महक कि लेकर जा, ऑलरेडी इतने सारे ग्रीन रिबन्स हैं अभी भी। वहाँ पे हमारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया। महक, I'm like, okay, you might be strong physically, but दिमाग में कुछ भी नहीं है। अब जा ऊपर जा और लास्ट एक और बांधना है, सबसे ऊपर बांधना है। अब हाथ से ऊपर जा और चढ़ जा। अब हाथ से ऊपर जा। मुझे यही लग रहा था कि यार ये जो दो बार लग गई है हमारी आने जाने में, इसकी वजह से हम हार ना जाए। ये चैलेंज जीतना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि कई सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं और साक्षी विला से बाहर हो जाए। ओके, 3, 2, 1, गो। वाओ, परफेक्ट। गो 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 गो। आराम से, बी केयरफुल, डोंट हर्ट योरसेल्फ। लेटने से पहले मैंने ध्यान से देखा कि ग्रीन रिबन्स कहाँ पे ज्यादा है, और मैं एग्जैक्टली वहाँ पे जाकर लेटा। जस्टी बहुत बढ़िया, दिमागदार लौंडा थी, मेरे को पता था। मुझे ये था कि ये दोनों बहुत फास्ट हैं, ये दोनों भी अच्छे परफॉर्मर हैं, बट मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं सारा मैटर करता है, वो करता है प्राक्षी और महक के ऊपर। क्योंकि प्राक्षी अगर एक बार में ऊपर पहुँच गई तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज होने वाला था। जस्टिन लाइक बहुत तेज है, वो आया जब वहां पे रिबन लेके हॉप करके, रेड रिबन नहीं था, साइड वाले पे बांधा था यार। चल प्राक्षी, यू कैन कीप योर फुट ऑन द रेड वन। हर रूल जो ब्रेक हो रहा है उसकी पेनल्टी लगने वाली है। चल प्राक्षी आराम से। यस, यही तो गलती करनी है। मतलब अगर ये एक बार में चढ़ भी जाती है और इसकी पेनल्टीज इतनी हो जाती है तो मैं शायद जीत सकता हूँ। बस यही उम्मीद थी कि प्राक्षी ने इतनी पेनल्टीज करी हो कि हम जीत जाएं। मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था प्राक्षी का गेम प्ले देख के। मुझे लिटरली लगा यार फाइनली आगास तूने सही चॉइस तो की। साक्षी, जस्टिन एंड प्राक्षी, द टोटल टाइम इज पेनल्टी के साथ 3 minutes 52 seconds। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज बढ़ गई क्योंकि आई रियली डिड नॉट वॉन्ट टू लूज।
दिस एंड मुझे पता था कि हमने अपना बेस्ट दिया ये चैलेंज जीतने के लिए। कशिश मैक एंड कशिश और आपने कंप्लीट किया है ये चैलेंज। 3 minutes 58 seconds। सिर्फ 6 सेकेंड से रह गए। अगर महक ने मेरी बात सुन ली होती वहां पे तो हम बहुत इजीली जीत जाते। आज का डंपिंग सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस पल का जो मैंने इंतजार किया है आज तो दूसरी टीम से डेफिनेटली कोई घर जा रहा है और वो जो खौफ है वो उन सबके चेहरों पे नजर आ रहा है। आराधना जो है अब she's trying to be close to Sohail. You are losing your bond. जाके बात करो, apologize if you have to and get your connection back. Please. मैं तो सोहेल से बात एक बूंद नहीं करने चाहती थी। आराधना के साथ कोई नहीं है, वो सिंगल है, कोई नहीं है। अरे और कोई चांस भी नहीं है। Sohail is a good performer, good person. Please go for मैं I'm going but kya mana nahi. Dundo. It's okay. वो छोड़ो, ego छोड़ो। Where is he though? Run. You wanted to say something and I wasn't listening. अभी हमारी फाइट भी वहाँ पर जो भी हुई मेरे को ऑनेस्टली बहुत बुरा लगा वो चीज़। ठीक है, आराधना ही पिच किया मुझे आराधना ने, लेकिन आराधना ने बोली सोच के डिसीजन लेती हूँ क्योंकि आराधना को थोड़ा देर पहले उसने पिच किया। किसने? शिवम ने बोला कि उसको आकाश नेहा से वो वाइब नहीं आ रही है। मतलब आप तो भाई आकाश के साथ बजाएगी अच्छे से, समझ में आ गया कितने पानी में इनके कनेक्शन। Yeah, we gon push it up a level high. Yeah, it's time to push it up a level high. I'm the one chosen, I'm the one destined. I was born legend. Welcome to MTV Splitsvilla 14, co-powered by Wildstone, Dios and Perfumes, and on Total Comfort. Villa वापस जाकर कुछ interesting हुआ? Makeups, breakup. बहुत बड़ा makeup. किसका वीजा मिल गया और फ्लाइट टिकट भी। क्या बोला क्या तूने ऐसा उसको? वो अपन साइड बताता रहा और हम अपन साइड बताता रहा। बट अभी सब सॉर्टेड है, अच्छा कनेक्शन बना तुम्हारा। फ्रेंडशिप शुरू हो गई। चलो शुरुआत तो हुई। कशिश कुछ हुआ इंटरेस्टिंग? तू तो थोड़ा गपशप दे। सर आई थिंक आज से आज पहला डोम सेशन जो लड़का लड़की साथ में थे और डिस्कस कर रहे थे सब लोग, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज से गेम प्लान मैनिपुलेशन और वो सब कुछ स्टार्ट हो गई है। और अभी स्टार्ट हुई अभी क्योंकि अब एक्चुअल जो है वो अब स्टार्ट हुई है, क्योंकि अब तक क्या था, लड़के अलग थे, लड़कियाँ अलग थी, अलग अलग प्रायोरिटीज थी। तो अब ऐसा हो गया कि हाँ अब ये मेरी कनेक्शन तो है तो ये भी प्रायोरिटी है आपकी, तो अब एक्चुअल गेम स्टार्ट हो गई है। लोग अब एक्चुअल में अपना गेम रखना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। आमिर तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा मास्टरमाइंड स्प्लिट्सविला में कौन? देखो गेमर मैं बोल सकता कशिश है, तो खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं गेम खेल रहा हूँ बोलते अभी के लिए, लेकिन मास्टरमाइंड मेरे हिसाब से अभी तक कोई नहीं। I thought it's Sandus. Sandus is playing well. मतलब उसका मत क्लियर है भाई। मतलब मेरे को ये सीधा रास्ता जाना है, मुर इधर ना देखना है, उधर भी नहीं देखना ऐसा है। Her mind is clear. You know, ये एक चीज भी लामे कि सब लोग लगता है कि मैं मास्टरमाइंड हूँ और that I manipulate people. I think that's now that we spend a lot of time together. अब वो पता है कि मैं फेक बिल्कुल नहीं हूँ। I don't manipulate people. I don't like
thick it with some people and they say something else. जो आप बोल रही हैं कि आप real हैं, आप real हैं. I think इन सब में से सबसे ज़्यादा fake आप हैं. क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी इंसान हैं जिन्होंने अपने खुद के फ्रेंड्स के लिए बोला है कि मैंने उसको बोला कि मैं इसका नाम लिख दूंगी, उसको बोला कि मैं इसका नाम लिख दूंगी. आप सबको इकट्ठा करके बोलती हैं, सुनो एक काम करते हैं, साक्षी का नाम लिख देते हैं. आई डू नॉट अग्री विद द फैक्ट यू सेइंग दैट यू आर द रियल पर्सन हियर. बिफोर द लास्ट डंपिंग जोन आई वाज क्लियर, आई वाज टेलिंग एवरीवन आई एम गोना ईदर राइट योर नेम और साक्षी दीज नेम. आई डिडंट टेल एनीवन आई एम राइटिंग हर नेम श्री. आई वाज क्लियर. And we are four people who are ready either to dump you or either to dump Sakshi. Shreya told us that Sakshi is my friend. I will not dump her. Let me ask her if she's ready to dump Sakshi else. She's trying to be nice right now, but from first day when me and Payama got the dumping power, Sakshi. Yeah, Sakshi, I was Sakshi, sitting there Sakshi, and I voted Sakshi, her out. And I told. And I voted her out. Yeah, but you wanted us to vote us because, yeah, because we had the power. But then I have the right to pitch. I have the right to pitch. Because you have beef from day one. Why are you trying to make it look like that? Okay, okay. But listen, if I have to take that decision, I can't pitch for that. Because we need numbers to vote someone out. Why are you guys not understanding this? How can I dump you alone? That will not be possible. Okay, listen. Shivam. Yes, sir. Naya wild card. तुम्हारा कैसे चल रहा है आकाश लीना के साथ? बढ़िया चल रहा है सर. क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? मुझे बहुत कुछ आज सुनने में आ रहा था कि इसने ही अप्रोच आराधना एंड आराधना इन अ फ्रेंडली वे आई वांटेड टू कनेक्ट विद यू इफ इफ सेम है वो चीज है. मैं ये देख रहा हूँ कि जिस कनेक्शन से मैंने कनेक्शन बनाया है लड़की से वो ठीक नहीं है क्योंकि मैं बहुत मुझ कुछ मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ. मेरी दिल गवाही नहीं दे रहा मैं यार और मैं कल से परेशान हूँ. आराधना, इज देयर समथिंग हैपनिंग बिटवीन यू एंड शिवम? नो, वी जस्ट हैव अ फ्रेंडली कनेक्शन. ओके कूल, लेट्स मूव ऑन. ये काम हो गई, कॉन्शियस हो रही है. तुम क्या करके आए हो? अब सुन लिया उसके मुंह से? सुन लिया आपने? शिवम, तुमने सबको बताया था तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर भी है. yes, बताया था राइट? yes, तो मैं बता देता हूँ उनको वो स्पेशल पावर क्या है. आज के डंपिंग ग्राउंड में शिवम सेफ है. ओम नमः शिवाय. और नॉट जस्ट शिवम बट Shivam's connection. Oh. Usha, ab bol. Acha. One second. वो शिवम डिसाइड करेगा कि वो किसे सेव करना चाहता है. I'll save Akash Neelam. I just want to say something. Shivam, मैं ये I did not want to bring this up. But can you tell आपने क्या मुझसे बात की थी? Oh now, अब नया जी अभी निकल रहा है क्योंकि power है उसके पास. Okay, this has got nothing to do in terms of किसको save करना है, but Shivam ने मुझसे बात की थी पहले टास्क के बाद जब हम सब बैठे थे. ही सेड आराधना, कैन आई टॉक टू यू? सो ही बेसिकली, सो शिवम सेड कि उनको मेरे साथ कनेक्शन करना है. एंड आपने दो तीन और बातें बोली थी पर आई एम नॉट गोना ब्रिंग दैट हियर बिकॉज़ कब बोलेगी देन? ही सेड आकाश जी ना ज्यादा बात नहीं करती है एंड उसके मुंह से प्याज की स्मेल आती है. वो मुझे कुछ मैंने उसको भी बोला हुआ है. मैंने उसको बोला हुआ है. डिस्गस्टिंग लग रहा है. मैंने वो तो उसको भी बोला हुआ है. मैंने वो तो आपको भी बोला हुआ है ना. वो तो फनी है. डू यू वांट टू फाइट विद मी? डू यू वांट टू फाइट विद मी? डू यू वांट टू फाइट विद मी? साक्षी, बट सीरियसली वो है, प्रॉब्लम है तो है, बट इसको सॉल्व करना चाहिए ना.
एक बात बताओ, मैं बोल लूँ यार, अब एक पति पत्नी में कई, मैंने देखा कई बार तलाक भी हो गई है कि हस्बैंड्स को, अरे एक अखबार में मैंने पढ़ा था कि एक पति पत्नी का तलाक हो गया था क्योंकि उसका पति शराब मारता था। भाई भाई एक प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व, मेरे से मिल पहले, तेरी वजह से बच्चा है, तू नहीं आता ना भाई, निकल तो मैं बता। So Shivam, you are safe. Thank you. Welcome back to Split. Please, idhar aaja. Before you make a choice. Om Namah Shivaya. Now Shivam, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यू कैन चूज वन पर्सन जो आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं या फिर वो कनेक्शन ऑलरेडी है। आकाश लीना, यू वांटेड टू से समथिंग? नो मैम, आई हैव नथिंग टू से टू यू। आराधना, व्हाट डू यू से? What do you say? Is Sohail your first priority or what? No, he's not. Are you sure? Yeah. You want to stick with me for till the end? Aradhana, is there something happening between you and Shivam? No, we just have a friendly connection. Aradhana, go to the safe zone and welcome back to Splits Villa. Are you happy? What a split personality. Okay. What a split personality. I flipped. She should practice what she preaches. I'm not talking about this in particular. But now that she's gonna say, now she's gonna say, ये mean comments करती हैं, ये personal comments खुद करती हैं। इनको एक छोटी सी बात बोली है, तो इनको बहुत बुरा लग रहा है। पर इन्होंने सबके बारे में बहुत चीजें बोली हैं। I can say 10 things to her too, but that's not my level. Oh, you've said a lot of things to me. I haven't said shit which to will you. Come out I don't even feel like soon. Talking to you. You stink. And Shivam, please keep your mouth shut. Yeh chahte the na? Aap ruko. You wait and watch now. Now you see. Now you. जब मैं आपके पीछे खड़ा हुआ था, जब मैं आपके पीछे खड़ा हुआ था, तब मैंने आपका नाम लिया था, पर उसके बावजूद आपने मुझसे बद तरीके से, आपने बहुत बदतमीजी से मुझसे बात करी. That is not totally not expected. ठीक है, ओ मैं तो थोड़ा कांप रहा हूँ. हाँ, अभी कांपो. So, girls, you have a chance to save one of the guys who are unsafe. And guys, you have a chance to save one of the girls who you believe might be your connection. Can we have the cue cards, please? अब क्या होने वाला है ध्यान से सुनो. एक एक करके सब अपने क्यू कार्ड्स खोलेंगे. जिसका भी कनेक्शन मैच होगा वो सेफ हो जाए. द फर्स्ट वन टू ओपन देयर क्यू कार्ड विल बी हामिद. संदूस, हामिद. धीरे धीरे बढ़ने लगी जान कैसी है दोस्ती. कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम बैक टू स्प्लिट्स विला. यू ऑल कैन मूव दैट साइड. द नेक्स्ट पर्सन हु विल ओपन देयर क्यू कार्ड इज Kashish boy. Mehak.
see if Mahek is written. Kashish. Okay. Congratulations. Welcome back to Splits. Next, Amir. I want to save Pema. Amir. Jao apne. Asma pe zinda main ek parinda main chal chalu jahan tu kahe. Honey. Kashish. Soil. Shreya. Let's see if Shreya's written the same name. Shreya? Kiska naam likha? Soil. अब मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो है आकाश लीना आप क्यू कार्ड खोले. आगाज. आगाज. ओके. हिबा आप आगाज. अब ये सात हो गए भाई. साक्षी. आगाज. Now it's your chance. अब किसका नाम लिखा है? हिबा. Now you all can proudly move to the safe zone. Welcome back to Splitsvilla. Come. Akash Leena and Sakshi D. One of you will be dumped or decide getting A. We're winners. Oh, finally. Finally, something that we have to do. You've decided? Yes. We dump Akash Leena. Sakshi, you are definitely not getting dumped tonight. So please, welcome back to Splits Villa. You can join your friends. Thank you, guys. Hello. Congratulations. Akash Leena, really, really sorry, but how do you feel? Betrayed. And मेरे लिए ये कोई नई चीज नहीं है. बहुत कुछ सैक्रिफाइस करके मैं यहाँ आई थी. बट बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके. बहुत सारे दोस्त बनाए. That's it. I don't have anything else to say. आकाश लीना, आप डंप हो चुके हैं. बट एक चीज होनी बाकी है. Splitsvilla में आगे बढ़ने के लिए कनेक्शंस बहुत जरूरी होते हैं. But connections से बड़े और ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज पता क्या होती है? आइडियल मैच. और आइडियल मैच ढूंढने के लिए हमारे पास इस सीजन में है फाइनली द ओरेकल. Yes, the Oracle is finally here. Okay then. Dun, dun.
Akash Leena, your fate lies in the hands of the Oracle. आज स्प्लिट्सविला में डंपिंग होगी सिर्फ और सिर्फ तब जब हमें आइडियल मैच मिलेगा। जाहिर सी बात है आज जो चैलेंज जीते हैं वो ओरेकल के सामने जाएंगे और ओरेकल से पूछेंगे कि क्या आप एक आइडियल मैच है या नहीं। सो टुनाइट जस्टिन विल चूज आप किसके साथ ओरेकल के सामने जाएंगे। ओके प्लीज गुड लक। मेरा जो सपना था कि शायद इस सीजन का पहला आइडियल मैच जो होगा वो मैं और जस्टिन होंगे, वो सब सोच सोच के मुझे इतनी नर्वसनेस हो रही थी, मेरी हार्ट बीट इतनी जोर से धड़क रही थी। मेरा दिमाग सिर्फ ये कह रहा था कि आज हम दोनों एक आइडियल मैच जरूर बनने चाहिए। क्या हम एक आइडियल मैच है? ओरेकल के कैलकुलेशंस के अनुसार साक्षी और जस्टिन आप दोनों एक आइडियल मैच। कोई आइडल मैच नहीं है। एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी उस सिचुएशन में कि ये क्या हुआ और ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जो सपना मैंने उसके साथ वहाँ पे देखा था, ये शो जीतने का या आइडियल मैच बनने का, वो सब कुछ उस मोमेंट में ख़त्म हो गया। मेरा दिल टूट चुका था, मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया था एंड मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा था कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। मैंने सिर्फ साक्षी को हग किया एंड उसके सिर्फ ये बोला कि ये चाहे जो भी हो मेरे लिए तू आइडल मैच है। जस्टिन एंड साक्षी, यू कैन गो बैक टू योर सीट्स। Now the revenge gonna start. And you guys enjoy your night not being an ideal match. Show me how both of you gonna switch, flip, find maybe another ideal match. I don't fucking care. What I care is me and Akash Leena gonna show you the game. Akash Leena. Welcome back to Splits. खाएगी क्या उनको? दिन में तारे दिखाऊंगी। शिवम शर्मा, let's just go back to the villa and I'll show you what hell looks like because I'm gonna pour hell on you tonight. Justin and Sakshi,
मुझे पता है बहुत दुख हो रहा है अभी, बट दैट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट हैव अ कनेक्शन, दैट आप चैलेंज कम्पीट कर सकते एक दूसरे के साथ और जीतो एंड बी सेफ. Just because you're not an ideal match, it doesn't mean that you cannot be safe. So go back to the villa and enjoy that safety for one more night. Fully Faltu, fully entertaining. Like, share and subscribe to our channel, Fully Faltu.